हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के डी एम ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का शॉर्ट नोटिस आ चुका है और इसके फॉरम की डेट भी आ चुकी है। दोस्तों जो बीए वाली वैकेंसी है उसके फॉरम दोस्तों 14 तारीख से चालू हो जाएंगे और जो ट्वेल्थ वाली वैकेंसी है उसके फॉरम दोस्तों 21 तारीख से चालू होंगे। पूरे एक महीने के लिए फॉरम चलेंगे। अब दोस्तों अगर आपने आपके कुछ डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग आपके क्यूरी होते हैं कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट इतना पुराना है, ये इतना नया है, तो क्या मैं फॉरम भर सकता हूँ नहीं भर सकता हूँ, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। ये वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी दिक्कत हो तो आप बनवा लीजिएगा, नहीं तो आप फॉरम भरने में दिक्कत हो सकती है। तो देखिए दोस्तों एनटीपीसी का फॉरम भरने से पहले ये सभी डॉक्यूमेंट तुरंत बनवा ले, सभी कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले, एंड दोस्तों डॉक्यूमेंट तुरंत बनवा ले। ये देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले डॉक्यूमेंट आ जाता है हमारे पास एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, सबसे मेन एसटी एंड एससी में दोस्तों ये वाला कास्ट सर्टिफिकेट चलता है। दोस्तों ये कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कितना भी पुराना हो, कोई सा भी हो, आपके पास चलेगा ये कास्ट सर्टिफिकेट। एसटी वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एसटी एससी वालों की ये कास्ट सर्टिफिकेट एसटी एसटी में चाहे कितना ही पुराना हो चल जाता है। उसके बाद में आता है दोस्तों ये ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी एनसीएल। अब दोस्तों ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये एक साल वन ईयर फाइनेंशियल ईयर में चलता है, यानी कि अप्रैल टू अप्रैल, यानी 31 मार्च से, यानी दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ऐसे चलता है ये फॉरम। अगर दोस्तों ये आपके पास किसी के पास पुराना है तो वो नया बनवा लीजिए तुरंत। ये ओबीसी एनसी ओबीसी वाला सर्टिफिकेट ये दोस्तों ये मतलब एक साल के लिए वैलिड होता है, एक साल बाद में रिन्यू करवाना पड़ता है, दूसरा बनवाना पड़ता है। ये ओबीसी वाला हो गया दोस्तों। और देखिए दोस्तों ये डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है, डिक्लेरेशन टू द सबमिटेड बाई एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट रिगार्डिंग द सिविल एम्प्लॉय इन बाई अवेलेबल एक्स सर्विस मैन कोटा। अब दोस्तों अगर आप एक्स सर्विस मैन हो गए तो वो आपको यहाँ पे ये सर्टिफिकेट मिलता है, आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है जो भी एक्स सर्विस मैन रहता है। ये देख लीजिए ये भी दोस्तों डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है, और ये भी ये तो दोस्तों आपको सिंपली बनना पड़ता है और इसमें सिग्नेचर विग्नेशन करने पड़ते हैं। ये आफ्टर ये ज्वाइनिंग की टाइम वाली बात है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और दोस्तों ये भी देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के, ये सेल्फ डिक्लेरेशन ये भी देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे काम देता है, जिसमें कुछ नहीं नाम पता बनना पड़ता है एंड आपके साइन वाइन होते हैं। ये देखिए दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट फॉर ईबीसी, यानी दोस्तों ईबीसी अगर ये इनकम सर्टिफिकेट किस चीज़ में काम देता है तो दोस्तों आपकी फीस लगती है उसी में काम देता है। अगर मान लो आपने इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया तो अगर आप ओबीसी में हो तो आपकी जो फीस लगेगी 500 की जगह 250 लग जाएगी, लेकिन आपको इसमें पूरा विवरण देना पड़ता है। यही दोस्तों इसी में काम देता है कि ये इनकम सर्टिफिकेट फीस में कमी पड़ जाती है। इसमें लिख रहा है कि भी देखो इकोनॉमिक, ये देखिए दोस्तों इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास विल मीन द कैंडिडेट हुज ए फैमिली इनकम लेस देन 50,000 पर अनम, यानी एक साल में फैमिली इनकम 50,000 में। दिस फॉलोइंग अथोराइड इन एथोराइड अथोराइज इश्यू फॉर इनकम सर्टिफिकेट इन द प्रोपेजेंटिव। ये तो ये किसी से भी आप ये देखिए रेवेन्यू ऑफिसर, लोकसभा पर्सन, यानी आपका डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर, किसी से भी आप इसको करवा सकते हो तो ये इनकम सर्टिफिकेट आपका बन जाता है। अब दोस्तों इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, इसमें आपकी फ़ीस में लेस हो जाता है, बस 500 की जगह 250 लग जाते हैं बस, और कुछ फ़ायदा नहीं है। ये देखिए दोस्तों इनकम असेस्ट टू बी प्रोवाइड बाई ईबीसी ईडब्ल्यूएस, यानी दोस्तों ये ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट है, इसमें सर्टिफिकेट नंबर डेट वैलिड, यानी दोस्तों ये भी एक साल के लिए वैलिड रहता है ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट भी, तो इसको भी आपको रिन्यू करवाना पड़ता है एक साल के बाद। देख रहे दोस्तों इसमें भी निकल नीचे लिख भी रखा हुआ रहता है, देखिए 18 ईयर जो भी पर्सन हो सकता है इसमें सब कुछ चीज़ें मैंशन कर रखी है, इनसे आप बनवा सकते हो। डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर, ये देखिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास, इन सबसे आप बनवा सकते हो, और ये भी एक साल के लिए वैलिड रहता है ईडब्ल्यूएस वाला भी। इसके बाद तुम देखिए दोस्तों जो पीडब्ल्यूआरडी कैंडिडेट होते हैं कुछ, यानी जो कैंडिडेट मेडिकल अथॉरिटी इश्यू, यानी जिसके पास कुछ भी यानी मेडिकल के इश्यू होती हैं, जो पीडब्ल्यूडी में रहते हैं यानी दिव्यांग रहते हैं, उनके लिए ये है। एंड दोस्तों ये भी दिव्यांग सर्टिफिकेट है, एंड दोस्तों ये भी दिव्यांग वालों के लिए। तो दोस्तों आपको मोटा मोटा कुछ नहीं देखना, एक तो ईडब्ल्यूएस वालों, अगर जो बंदा ईडब्ल्यूएस से है तो वो अपना ईडब्ल्यूएस वाला जो आपका सर्टिफिकेट है उसको नया बनवा ले, और जो बंदा ओबीसी से है तो ओबीसी वाला सर्टिफिकेट को नया बनवा ले अपना को। और दोस्तों कुछ नहीं है दोस्तों, यही लगेंगे फॉर्म भरने के टाइम के, आपके जो कि जाति प्रमाण पत्र होता है वही आपके फॉर्म में लगता है, वो बाद में और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है ज्वाइनिंग के टाइम भी बनने वाले डॉक्यूमेंट है और सभी, लेकिन
जो फॉर्म में भरते हो तो उसमें आपका दोस्तों जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म जरूर लगता है। तो थैंक कास्ट सर्टिफिकेट को आप रिन्यू कर जरूर करवा लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।